कर रहा हूँ, कलकत्ता। अच्छा अच्छा गुजरात। ठीक है, तो ये आपके सामने दिल्ली दिख ही रहा होगा आपको, नन्ना सा रेड के अंदर। दैट इज दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट तो है आर्टिकल, इस पर खूब न्यूज में रहा है, क्योंकि पावर वो रिड्यूस कर दी थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये बहुत बार न्यूज में रहा है इस बार। और ये देख लो, लेजिस्लेचर जो है दिल्ली के अंदर 1991 में आया था, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मोस्ट अर्बनाइज इन द कंट्री विद 97.5% अर्बन पॉपुलेशन, सबसे अर्बनाइज सिटी भी है। और फिर थर्ड इज 21.98% ऑफ दिल्ली एरिया कंप्राइजेज ऑफ फॉरेस्ट। तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन दिल्ली में बहुत अच्छा खासा फॉरेस्ट है, और ग्रीनेस्ट ऑफ ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली है, और टॉप भी करता है SDG 9 के अंदर। SDG 9 बताओ फटाफट, अभी जैसे डिस्कस किया था, ग्रोथ, इनोवेशन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, राइट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स क्यों छोड़ दिया? लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स भी हैं दिल्ली के अंदर इन सिटीज आफ्टर नैरोबी। मतलब यार मैं सही में, जब ये लॉकडाउन हुआ ना, तब मैंने नोटिस किया यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर तरह का पक्षी देखने को मिल जाता है, लेकिन इतना तो मैंने राजस्थान में नहीं देखे थे जितने मैंने यहाँ देखे, तो ये थोड़ा सा है। अरे बहुत कबूतर है नैरोबी वहां। किसका कैपिटल है बताओ? केन्या। केनिया। हाँ, तो ये चीज है। और SDG 9 के अंदर भी टॉप है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है अपना कंट्री के अंदर, और विदेश भी है। फिर दिल्ली के सबसे अंदर, बढ़िया अरे तो मुंबई वाला है ना? नहीं नहीं बकवास तो बोल, अच्छा दिल्ली से बढ़िया नहीं है। फिर दिल्ली कर्नाटका का वो बढ़िया है वाला, लेकिन वो बैंगलोर में नहीं है। कैंपेगौड़ा नहीं है, दिल्ली इज खारी बावली इज एशियाज लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट। यहाँ पे ये पुरानी दिल्ली का एरिया खारी बावली। तो बावली तो आपको पता ही है क्या होता है, वो पागल वाला बावली वेल नहीं, हाँ वो वेल वाला बावली है। और दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंटायरली रन ऑन CNG, तो ये भी हमारे पास एक बहुत ही यूनिक डिस्टिंक्शन है, ये सब है CNG के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा मेट्रो भी बहुत बढ़िया है, बट एक यूनिक फीचर और भी है कि अब जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस भी ला रहे हैं, 1000 बसेस का, एक इलेक्ट्रिक बसेस का ये फ्लीट लगाने वाले हैं वो लोग। और यूएन ने सर्टिफाइड DMRC एज द फर्स्ट मेट्रो दैट गेट्स कार्बन क्रेडिट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये भी एक यूनिक फीचर है। अभी रिसेंटली दिल्ली के कुछ रीजन्स के अंदर मेट्रो लाइट भी आने वाली है। मेट्रो लाइट मतलब जो आपने देखा होगा, मेट्रो तो वैसे तो वो एलिवेटेड होती है, जमीन के ऊपर चल रही है, जमीन के नीचे चल रही है। अब जो है एक मेट्रो लाइट बनाने वाले हैं, तो वो रोड के ऊपर चलेगी, जैसा ये इसका ट्राम होता है ना, कैलकटा का ट्राम, तो उसी कंसेप्ट पे मेट्रो लाइट चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दिल्ली जो है वो दो जगह से उसका सीमावर्ती क्षेत्र जो है हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो नोएडा वगैरह लग जाता है, ठीक है। तो बाकी ये हरियाणा है, तो ज़्यादा एरिया हरियाणा से टच होता है, थोड़ा सा बाकी एरिया यूपी से। तो दिल्ली इज़ द यूटी एंड नेशनल कैपिटल, बाकी तो मैप में दिख रहा है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देख लो भैया, ये डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। हरियाणा का सोनीपत टच होता है, झज्जर टच होता है, गुड़गांव टच होता है, फरीदाबाद टच होता है, एंड यूपी का बागपत डिस्कस किया था वो अदिति जी ने, वो एक फेमस है वो एक किस्सा शेयर किया था बागपत का, और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो ये नोएडा का पार्ट पड़ जाता है, गौतम बुद्ध नगर वाला, ठीक है, जहाँ के अभी वो DM थे ना, सुहास LY, तो तो वो था, ठीक है। और नेशनल कैपिटल रीजन इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन रीजन बियॉन्ड दिल्ली यूटी टू डाइवर्ट द एस्केलेटिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम दिल्ली। तो जब भी कोई NCR बोले तो एक बार पूछ लेने का एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि उसमें वो गाजियाबाद का भी और नोएडा का भी और गुड़गांव का भी रीजन इंक्लूड कर लेते हैं। क्या क्या रहता है NCR में पूरा? हाँ, यही रहता है दिल्ली का
आसपास के एरिया हो गए ना, जैसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, इनको इंक्लूड कर लेते हैं, जो सोनीपत के चिपके कुछ। चिपके वो वाले क्या? हाँ जो चिपके चिपके है ना, तो वो सब इंक्लूड कर लेते हैं। मेनली तो चार ही होते हैं ना, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद। अरे वो कुंडली फुंडली सब इंक्लूड कर अच्छा, लेते कुंडली में मेरठ हैं तक ना, भी ये जो एक्सटेंड मेरठ कर रहे हैं क्या? बुलंद, जो बुलंदशहर मेरठ दिखा रहे हैं, यहाँ भी एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। हाँ मतलब छोटे छोटे शहर है ना, तो वो इंक्लूड कर लेते हैं, बोलते हैं तो दिल्ली एनसीआर मेनली है। वो डिस्टेंस के ऊपर होता है, 100 किलोमीटर दिल्ली के आसपास का सब एनसीआर में रख रहे हैं। हाँ अब एक्चुअली वही है ना, मेरठ तक अब वो मेट्रो जा रही है ना, तो अब वो मेरठ तक भी शायद एक्सटेंड करने वाले। थोड़े बट दिनों वो में ठीक है, वो वाली नहीं है, दिल्ली वाली नहीं है, वो हाई स्पीड है, मतलब वो दूसरी चल रही है, तो मेरठ के लिए बनती है ना, वो अलग है। हाँ मेट्रो के उसके लिए सर। ओके फिर इसमें तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखो कभी कभी ये अलवर फलवर को भी इंक्लूड कर लेते हैं ये, तो कुछ कुछ जैसा आई थिंक पता नहीं कुछ था, बट कभी कभी इनको भी कर लेते हैं। अलवर और भरतपुर जो है वो टच करते हैं, मतलब बहुत ही पास में है राजस्थान से। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है तो जैसा कि आप जानते हो एकमात्र नदी है हमारे पास, उसका नाम है यमुना। और यमुना वो क्रॉस करती है दिल्ली में और ठीक है किनारे ये बसा है, और दिल्ली रिज एक एरिया है, तो रिज बेसिकली उसको ये बोलते हैं, रिज कोई हिली एरिया होता है ना उसको रिज बोलते हैं। तो ये दिल्ली रिज जो है वो अरावली रेंज का एक्सटेंशन, मतलब अरावली रेंज का ही पार्ट था, जहाँ पे अब तो काफी खत्म हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने तोड़ताड़ के फिर वो राष्ट्रपति भवन बना दिया वहां पे। इसीलिए आप राष्ट्रपति भवन की जो मिट्टी देखते हो ना, तो थोड़ी सी वो वैसे बदरी टाइप की दिखती है, ऑरेंज कलर की, तो वो इसलिए कि वो पहाड़ के पत्थर तोड़ के बनाया हुआ एरिया है। ठीक है तो वो है। और अरावली का दिल्ली पहले का एंशियंट नाम बताओ। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, यस, नहीं क्या? अच्छा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, हाँ माइथोलॉजिकल नेम कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ का। और फिर है नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ अरावली रेंज, तो यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं अरावली रेंज, गुजरात से शुरू होते हैं अरावली रेंज, गुजरात का आई थिंक पालनपुर है वहां से शुरू होता है और दिल्ली तक आता था। अब तो बहुत तोड़ताड़ के खत्म कर दिया लोगों ने उसको, तो दिस वॉज कॉल्ड, ये ग्रीन रिज जो है दिस वॉज कॉल्ड एज द लंग सिटी, लंग फॉर द सिटी, रिज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू ओल्ड डेली या नॉर्दर्न रिज, न्यू डेली, सेंट्रल रिज, मेहरौली, साउथ सेंट्रल रिज एंड तुगलकाबाद सदर्न रिज। ठीक है तो ये जो मेहरौली वाला जो रिज है ना, ये यहाँ कहीं पड़ता है, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका किला यहीं पे था, राय पिथौरागढ़ नाम से। ठीक तो ये एक यूनिक चीज थी, और पहली बार दिल्ली को बसाया था तोमर राजपूत ने। ठीक है तोमर राजपूत और नाम था आनंदपाल, ठीक है उसने इसको बसाया था और फिर उससे कंट्रोल आनंद था कि चला। अजय था? आनंद आनंद ठीक है, तो उन्होंने बसाया था और उनसे फिर कंट्रोल जो है वो पृथ्वीराज चौहान को चला गया था, चौहान डायनेस्टी के पास। और चौहान डायनेस्टी से फिर आपको स्टोरी पता ही है सारी, कैसे कंट्रोल गया। तो जिसने स्टैब्लिश किया था वो किस डायनेस्टी से थे? तोमर तोमर, सोमर, तोमर तोमर। ओके तोरी वाला तोमर। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रिलीफ फीचर देख लो। तो रॉक सिस्टम इन दिल्ली बिलोंग्स टू प्लेस्टोसीन, रॉक्स ऑफ दिल्ली रीजन बिलोंग टू प्री कैम्ब्रियन एरा, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन आर द मेजर टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन दिल्ली रिज। ठीक तो यही कुछ इंपॉर्टेंट है, बात रहता तो है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट चलो ड्रेनेज की बात कर लो, तो ड्रेनेज में आपको यमुना तो बता ही दिया था, एक हिंडन रिवर है वो एग्जैक्टली दिल्ली में से नहीं जाता बट गाजियाबाद से होके निकलता है, तो ये पूरा वो एरिया में से होके निकलता है। हिंडन एयरपोर्ट भी है, तो कभी कभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो वो हिंडन एयरपोर्ट पे भेज देते हैं। वैसे हिंडन एयरपोर्ट जो है वो एयरफोर्स का है, तो यूजली नहीं भेजा जाता, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टेंस में हिंडन पे भेज देते। ड्रेनेज की बात कर ले तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना गंगा की, और शुरू होती है यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन बंदरपुंच पीक इन द उत्तराखंड रीजन, वजीराबाद बैराज एंड ओखला बैराज आर ऑन द रिवर।
ये दो छोटे छोटे बेचारे बैराज है इसके ऊपर, जहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं इस रिवर। और रिवर स्ट्रेच डाउन स्ट्रीम ऑफ वजीराबाद बैराज इज नोटेड फॉर सीवियर पॉल्यूशन। तो वहाँ पे बहुत खतरनाक पॉल्यूशन आता है अंदर, रिवर के अंदर बहुत खतरनाक लेवल पे अमोनिया कभी कभी देखने को मिलता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। फिर फ्रॉम यमुनोत्री टू ओखला बराज, यमुना इज कॉल्ड द अपर यमुना। तो ओखला वही साउथ दिल्ली में यहाँ कहीं पड़ता है वो रीजन। तो यमुनोत्री से ओखला तक उसको अपर यमुना बोलते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो कि हाँ यमुनोत्री से शुरू होता है दिल्ली में दो बराज। फिर है हिंडन रिवर, तो हिंडन भी अगेन ट्रिब्यूटरी है यमुना की एंड ओरिजिनेट्स इन यूपी फ्लोज थ्रू नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसमें वो गाजियाबाद वगैरह आ जाता है। ठीक है, और ये ज्वाइन करती है यमुना को आउटसाइड ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में नहीं मीट करती है। ये अकेले यमुना से कैसे इतने लोग को पानी मिलता है? दिल्ली में नहीं इतनी भीड़ है। नहीं यमुना से सारा पानी नहीं मिलता है, ज्यादातर जो पानी है ना वो हरियाणा से आता है। हरियाणा अच्छा, से मुकुंदपुर बैराज करके वो कैनल्स बने हुए हैं, उनसे ज्यादा पानी आता है। यमुना बहुत डर्टी आती है ना, तो ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट ऐसे रिश्ते नहीं होता, ज्यादातर पानी का रिक्वायरमेंट हरियाणा से होता है। करके पूरा गंदा पानी भेज देते हैं, काला पानी। हाँ काला पानी। फिर ये देख लो वजी ड्रेनेज के ऊपर जो बैराज इसकी बात करी थी, तो वजीराबाद बैराज इस बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ITO बैराज बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड ओखला बैराज बाय यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, तीन अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग बैराजेस हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, बाकी तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ऑल दीज बैराजेस कम अंडर द नेशनल वाटरवे 110, ये भी कुछ खास नहीं है। बस हाँ देख लो नेशनल कैपिटल रीजन में पास हो रहा है, तो नेशनल वाटरवे 110 है। और रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज प्रपोज अ प्लान टू स्टोर फ्लड वाटर इन यमुना फ्लड प्लेन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पाला बैराज बिटवीन पाला एंड वजीराबाद। ठीक है, तो रिसेंटली इन्होंने ना क्या किया था कि दिल्ली का ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गया था। उन्होंने देखा था वाटर स्ट्रेस एरियाज में इंडिया में बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, तो दिल्ली भी उनमें से एक था। तो उस ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यमुना के साइड में जो ये फ्लड प्लेन्स है वहां पे वेल्स बना दिए, और जैसे ही यमुना का जब फ्लडिंग आएगी तो यमुना में पानी इंक्रीज होगा, तो वो पानी इंक्रीज होकर अपने आप ऑटोमेटिकली उन वेल्स के अंदर चला जाएगा, और फिर उन वेल्स में से उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता रहेगा, और दूसरा अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो तब उस पानी को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने दिमाग लगाया था। ठीक, फिर सॉइल की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली के अंदर जो सॉइल है वो एलुवियल कैटेगरी की है, क्योंकि आपने देखा रिवर पास करती है, तो जो सॉइल है थोड़ी सी फर्टाइल है यहाँ पर। और इसको चार पार्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं, वो नॉर्मल वही खादर और बांगर। ठीक है, तो खादर आपको पता ही है नई वाली एलुवियल को बोलते हैं, और बांगर जो है ओल्डर एलुवियल को बोलते हैं। और इसके अलावा डाबर है जो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी इन कोही रॉकी एरिया। तो आई थिंक ये दो सॉइल तो हम वैसे पढ़ते नहीं है। डाबर डाबर में क्या अंतर है? अच्छा, का तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, पहली बार देखी है। तो आइडिया है क्या डाबर का? डाबर और कोही। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेनली वही है, खादर पता ही है, बांगर पता ही है। खादर न्यू एलिवेलियन, बांगर ओल्ड एलिवेलियन, तो उसी के अंदर मेजर क्लासिफिकेशन होता है। फिर रेनफॉल की बात करें, तो रेन दिल्ली का जो क्लाइमेट है सेमी एरिड है, लेकिन आज बहुत जबरदस्त बारिश हुई यहाँ पे, लाइक ऐसे तो कभी हुई नहीं। तो 80% ऑफ द रेनफॉल कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज कंसेंट्रेटेड इन 3 months, जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑल्सो ब्रिंग रेन टू दिल्ली इन द विंटर सीजन। तो रेनफॉल इसे दोनों जो रेनफॉल के पैटर्न है, साउथ वेस्ट हो गया या फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, दोनों से मिलके बारिश है यहाँ पे मिलती है। और 80% लेकिन जो है रेनफॉल इट कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो ये था मानसून का पैटर्न। चलते नेक्स्ट के ऊपर, तो ये भी आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत खेती होती है।
और यहाँ पे व्हीट इज अ मेजर फूड क्रॉप ग्रोन इन दिल्ली. पैडी, ज्वार, बाजरा आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन अलॉन्ग साइड व्हीट. मस्टर्ड इज ऑल्सो ग्रोन इन राबी सीजन. मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इज ग्राउंड वाटर थ्रू डीप ट्यूबवेल. तो थोड़ा बहुत होता है एग्रीकल्चर यहाँ पे, तो उसमें से व्हीट जो है वो डोमिनेट करते हैं. ठीक है, नॉर्थ इंडियन ज्यादातर गेहूँ ही खाते हैं. फिर मिनरल बेल्ट की बात कर लेते हैं. तो माइका इज द चीफ मिनरल फाउंड इन दिल्ली. के अलावा और भी काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं लाइक बॉक्साइट, यूरेनियम, मैंगनीज, ग्रेफाइट और ऑल्सो फाइंड इन माइनर क्वांटिटी. अब इनकी माइनिंग होती है कि नहीं होती ये पता नहीं, बाकी ये मिलते जरूर हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं. तो यहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन है. तो दो इंडस्ट्रियल बेल्ट से कनेक्ट होता है, आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर. तो सारा यूपी वाला बेल्ट हो गया एंड फरीदाबाद, गुड़गांव और अम्बाला. तो ये तीनों जो है हरियाणा का हो गया. ठीक है, ये यूपी का है ऊपर वाला और नीचे वाला हरियाणा का है. अम्बाला जो है वहाँ पे ये राफेल जो आए ना नए वाले, वो यहाँ अम्बाला जो एयरपोर्ट है ना उसके अंदर प्लेस करे उन लोगों ने एयरफोर्स का जो है. फिर नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज आर लाइट मार्केट ओरिएंटेड एज द रीजन इज अवे फ्रॉम मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. ठीक है, तो अपन ने वो फुट लूज और वो वाला देखा था ना कि अगर वेट लॉस हो जाता है तो फिर वो प्रेफर करते हैं कि यूजली उसको मतलब जितना पास हो सोर्स के उतना बेटर है. तो क्योंकि ये किसी भी मिनरल रिच रीजन से दूर है, तो यहाँ पे यूजली बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं. या अगर है तो फिर वो ज़्यादा सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है. ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ग्लास, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर द मेजर इंडस्ट्री. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं यहाँ पे. नेक्स्ट आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स की बात कर लेते हैं. तो ये बेसिकली कनेक्ट होता है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट होता है और इसके अलावा गोल्डन कोऑर्डिनेटरल का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है. तो ये चीज़ है इसके अंदर और आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं. तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आल्सो कॉल्ड एज कुंडली गाजियाबाद पलवल. तो ये वाला है एक्सप्रेसवे पासेस थ्रू स्टेट्स ऑफ हरियाणा यूपी. अभी रिसेंटली बना है तो दिल्ली के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए कि जो ट्रैफिक आता है ऊपर से या नीचे से वो दिल्ली में बिना एंटर करे बाहर से निकल जाए. तो दोनों को फायदा हो जाएगा, दिल्ली के लोगों को भी फायदा हो जाएगा और जो बाहर से आ रहे हैं उनको दिल्ली में फंसना भी नहीं पड़ेगा ट्रैफिक. इसके अलावा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे ऑल्सो कॉल्ड एज कुंडली मनेसर पलवल. तो कुंडली KMP एक्सप्रेस वे बोलते हैं और ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये हरियाणा के अंदर पड़ता है. मतलब ये तीनों जो लोकेशन है ये हरियाणा के अंदर पड़ते हैं, पासेस थ्रू हरियाणा ओनली. तो KMP का अगर नाम आए कुंडली मनेसर पलवल तो आप समझ जाना वो दिल्ली से रिलेटेड है और हरियाणा में लाई करता है. और बोथ एक्सप्रेस वे कम्प्लीट अ लार्जेस्ट रिंग अराउंड द दिल्ली. ठीक है, तो बेसिक आइडिया यही था कि दिल्ली में एंटर ना करना पड़े किसी को जो दिल्ली नहीं आना चाहता, उसको वो बाहर से ही निकल जाए. ठीक है, तो ये आइडिया था और ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने का आइडिया था. ये था दोनों मिलकर रिंग बना रही है ना, वही करेक्ट. हाँ, मतलब ये बाहर में बहुत बड़ी रिंग बना रही है, बाकी दिल्ली के अंदर भी ये छोटी रिंग है ना, दिल्ली के अंदर इसको रिंग रोड बोलते हैं. तो ये है. के अलावा और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है. दिल्ली मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू रिसीव पावर फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी. ठीक है, तो इंसनरेशन जनरेटर्स जो होते हैं उसके थ्रू वेस्ट को जलाकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है. तो दिल्ली मेट्रो पहला मेट्रो प्रोजेक्ट ऐसा बना है कंट्री का जो काम को कर रहा है. इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट है दिल्ली में बदरपुर में और राजघाट के अंदर. तो राजघाट आपको पता ही किससे फेमस है, कर सकते हैं जी यहाँ पे.
गांधी का वो समाधि, गांधी जी का समाधि स्थल है। और दिल्ली इंडिया में मेट्रो कितने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं? आइडिया नहीं यार, होंगे दिखा सकते हो। ज्यादा नहीं है शायद, कमी है। मतलब ऐसा था ना, अभी नीति आयोग ने एक बार बोला था ना कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट निकाला था एक बार, उसमें हाँ मतलब बोला था बड़ा वहां मैंने। का आई थिंक ठीक ठाक म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्ट होता है वहां, वहां तो आई थिंक बना ही सकते हैं लोग। तो दिल्ली में तो है आई थिंक एक दो है वेस्ट प्लांट दिल्ली में, बाकी आई थिंक सिटीज को पता नहीं, दिल्ली में तो है। दिल्ली तो मेट्रो को यूएन ने काफी कार्बन क्रेडिट दिया था ना, फिर इसने कुछ ट्रेड किया था, तो न्यूज में था ना। हाँ, आई थिंक फर्स्ट वाला उसमें स्लाइड में भी हमने देखा था कि यूएन ने रेकग्नाइज किया हाँ है दिल्ली मेट्रो के फिर इसने लिए। ट्रेडिंग के, ये आई थिंक फर्स्ट ऐसा है इंडिया में ऐसा कुछ। आइडिया नहीं एग्जैक्टली मेरे को दोस्तों, बट हाँ ऊपर जो आप कह रहे हो उसके रिलेटेड बात वो लिखी थी फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे दो थर्मल पावर प्लांट्स भी है, बदरपुर में और राजघाट में, जिनको जब भी पॉल्यूशन होता है तब उनको बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में थोड़ी सी हालत यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो तब जो है हम वो जी हमने देखा था ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो उसके अंदर सबसे पहले इनको बंद किया जाता था क्योंकि ये कोल बेस्ड पावर प्लांट थे, तो ये धुआं छोड़ते थे, तो मतलब पॉल्यूटेंट्स छोड़ते थे, तो उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, गर्मियों में चलते हैं ये आराम से, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा वो जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की हम बात कर रहे थे, तो वो भालसवा थेकंड और गाजीपुर में प्रोग्रेस में है। ठीक है, इसके अलावा ओखला के अंदर भी है, तो वो इस सब एरिया पड़ जाता है। तो ये था, इसके अलावा प्रगति थर्मल पावर प्लांट भी है, आई थिंक ये गैस बेस्ड भी है यहाँ पे। प्रगति थर्मल पावर प्लांट हाँ सॉरी इंद्रप्रस्थ वाला है गैस बेस्ड। ठीक है, तो गैस बेस्ड पता ही है, जहाँ पे वो नेचुरल गैस को यूज करके हीट प्रोड्यूस करके फिर वो स्टीम जनरेट करके टर्बाइन चलाते हैं, वो वाला चीज़ है यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ। तो पहला है नजफगढ़ रेन बर्ड सेंचुरी, और नजफगढ़ से वो सेवा आ गया ना, रेनेड सेवा, हाँ वो सेवा के नजफगढ़ नीचे एरिया से आते नजफगढ़। हैं। तो ये है, इसके अलावा ओखला बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है यहाँ पे, और इसके अलावा असोला घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो असोला के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लो। लोकेटेड ऑन द सदर्न दिल्ली रिज एट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो ये चीज़ है, जब अगर यहाँ से जाओगे तो गुड़गांव का जो एरिया पड़ जाता है थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे लेपर्ड भी देखने को मिल सकता है। नॉर्दर्न अरावली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्टार्ट एट सरिस्का, सरिस्का हमने देखा था राजस्थान के अंदर है, पासेस थ्रू हरियाणा एंड एंड दिल्ली रिज। ये एक लंबा कॉरिडोर है और के लिए ये चीज़ होती है। ठीक है, होम टू एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक रेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर। तो ये दोनों ही आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हरियाणा के पास भी है ना, क्या हरियाणा के पास है ना, मतलब दिस इज द एरिया वेयर वी फाइंड वल्चर्स ना। हाँ करेक्ट, वो हरियाणा में पिंजौर में हमने पढ़ा था वो जटायु वाला, तो करेक्ट। तो वो पिंजौर सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क कहाँ, वो हरियाणा में है ना सर? हाँ वो हरियाणा में, पिंजौर जो है ना एकदम नॉर्दर्न एंड पे पड़ता है, जहाँ पे मतलब उसका नेक्स्ट पंजाब लगता है, तो वो थोड़ा सा दिल्ली से दूर है। तो ये चीज़ है। ओके नेक्स्ट देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को बनाना किसने स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन अकबर, और फिनिश किसने किया था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने करा, उसके फाइनली उसने कराया था ना, फिरोज रोज शाह तुगलक, हाँ उन्होंने एक मंजिल फिरोज और बना दी थी उसके ऊपर। करेक्ट, फास्ट फाइव वाली। तो ये चीज था इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। और मतलब किस लिए बनाई थी ये कुतुब मीनार कोई बता सकता है? एक वो गुरु कुतुबुद्दीन बाकी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कोई। बख्तियार हाँ काकी, बख्ती, हाँ उन्हीं के लिए आई थिंक करेक्ट। तो बख्तियार काकी ना। हाँ,
कौन से सूफी उसके आगे इस्लाम कुतुबुद्दीन के थे वो? भी गुस्सा उनके लिए नहीं थी, उनको बस नाम यूज किया था इसके लिए, मतलब उनको हाँ डेडिकेट डेडिकेट क्योंकि वो यहाँ पे डेडिकेट उनके लिए। किया उनके लिए ही थी, वो यहाँ पे बैठते भी थे, तो ये बात तो खत्म हो गया। एक वही जो काकी बख्तियार काकी का कुछ ऐसे रिमेम्बरेंस के लिए कुछ बनाया हुआ है कुतुब मीनार पूरे हाँ वो बनाया बनाया है प्रेमिस क्या में। है याद है? कमरा ही है यार उसका भी। हाँ कुछ ऐसे हाँ स्टोन स्ट्रक्चर ही है कुछ, कौन सेक्टर है, और यहाँ पे वो मेहरौली का पिलर है ना, वो आयरन पिलर। आयरन पिलर, वो भी यहीं लोकेटेड है इसी कॉम्प्लेक्स में। उसके बाहर वही अलाई दरवाजा और शायद वही है ना। हाँ अलाई दरवाजा भी है। तो नेक्स्ट देखो रेड फोर्ट है यहाँ पे। नहीं, रेड फोर्ट से पहले हुमायूं टॉम देख लेते हैं, वो क्रोनोलॉजी में पहला आता है। तो फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये यहाँ पे था। और टॉम स्ट्रक्चर इज ऑक्टागनल ऑन आउटसाइड एंड स्क्वायर इन द इनसाइड, सही है। फिर पर्शियन फीचर्स लाइक चार बाग, सेंट्रल टावरिंग डोम, पिस्तक आर रिफ्लेक्टेड ऑन ऑन इन दिस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो बेसिकली जो चार बाग स्टाइल था जो मुगल्स इंडिया में लेके आए थे, तो उसका पहला नमूना जो है वो इस हुमायूं के टॉम में देखने को मिलता है। अब एक सवाल उठ सकता है कि भैया आया तो पहले बाबर था, तो बाबर की इच्छा थी उसको वापस उसके जहाँ से वो आया है ना उसको वहाँ लेके जाया जाए, तो वो फरकोर उज्बेकिस्तान से आया था, तो इच्छा थी कि उसको वहीं गाड़ा जाए। तो ये था ये नेक्स्ट। किसने बनाया था हुमायूं टॉम? ये उसके बेटे ने बनाया था। विजन में एक स्टेटमेंट आया कि हुमायूं टॉम वाज बिल्ट बाय हुमायूं ड्यूरिंग हिज टाइम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स नहीं, फॉल्स। उस ट्रू बेचारे को उस स्टार्ट बेचारे किया था ना शायद उन्होंने, बट ही बिल्ट को टाइम, हिज ओन। नहीं, वो नहीं था। वो एक्चुअली जो हमीदा बेगम थी ना, जो इनकी वाइफ थी और अकबर अच्छा की अच्छा मदर थी, हाँ उन्होंने इसको बनवाया था। तो इनमें वो चलता है कि वो गाड़ गाड़ के निकाल के वो वापस डाल हाँ सकते हैं, तो इनमें वो अच्छा, ये इसी फरक एरिया में कोई शेरशाह जी ने भी कुछ बनाया था क्या, यही होगा। हुमायूं टॉम वाले पुराना एरिया में? किला, पुराना किला हाँ बनाया हाँ था पुराना किला। ओके हाँ जू के पास। हाँ जू के पास हाँ हाँ गया था मैं एक बार, बट जू बंद था उस दिन। मैं गया था, कोई मिला नहीं। अच्छा है, गई हूँ मैं। ठीक है, तो चार बाग स्टाइल हमने देख लिया, वो चार गार्डन्स होते हैं और बीच में से उसमें से पानी निकल रहा होता है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर ना उनकी भी कब्र है, अब्दुल रहीम खाने खाना है शायद उनकी इसमें ही वो है कब्र, नॉट श्योर, मे बी रेड बाजू में फोर्ट। आसपास है वो। हाँ वो आई थिंक यही है शायद। बाकी बहुत सारी कब्रें हैं यार, बहुत सारे आजू बाजू में, मतलब पता ही नहीं कौन सी किसकी कब्र है, क्योंकि तो कई बार अटैक वटैक हुए थे तो वो सब रिकॉर्ड विकॉर्ड सब गायब कर दिया उन लोगों ने। तो बहुत सारी अलग अलग छोटी मोटी कब्रें हैं, अगर उनको ढूंढा जाए तो मिल सकता है कुछ। मेरा रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट पता ही है शाहजहां ने बनाया था। तो दिल्ली ऐसा बोलते हैं 7 बार बसाया गया है दिल्ली को। तो सबसे पहली बार हम देखते हैं इसके अंदर क्या बोलते हैं आनंदपाल तोमर का, देखा हमने ये तोमर राजपूत ने बसाया था। तोमर राजपूत से इनफैक्ट एक और रिलेटेड चीज है कि जो मुरैना का जो एरिया है ना, जो हम कल लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे एमपी में, तो मुरैना का एरिया में तोमर राजपूत बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो आई थिंक मे बी वो शायद बाद में वहां शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। और तो उन्होंने बसाया था पहली बार दिल्ली को। और फिर हम देखते हैं ये पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरागढ़, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने वो वहां पर बसाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो था हम देखते हैं इल्तुतमिश जो है वो अपनी पहली बार जो है कैपिटल शिफ्ट करता है। उससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसकी कैपिटल लाहौर रहती है, इल्तुतमिश पहली बार दिल्ली सल्तनत एक्चुअली में बसाता है। इल्तुतमिश के बाद फिर हम देखते हैं इसके बाद आता है वो तुगलक डायनेस्टी, तो वो बनाती है तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलका फोर्ट भी है अभी यहाँ पे और तुगलकाबाद एरिया भी है। तो
तुगलकाबाद बसता है, और उसके बाद यहाँ पे तुगलकाबाद शायद अलाउद्दीन खिलजी रह गया। अलाउद्दीन खिलजी ने शायद सिकरी सिटी करके बसाया था। सिकरी, हाँ सिकरी था, फिर तुगलकाबाद था, और फिर लोधी नहीं थे क्या यहाँ पे? लोधी, मुझे तो लोधी घाट, लोधीबाद, लोधी, मुझे तो लोधी हाँ गार्डन याद आ रहा है बस। वो सिकंदराबाद सिकंदर, किसने? हाँ सही बोल रहे, सिकंदराबाद ने, सिकंदर लोधी ने बनाया था। ठीक है, और फिर वो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, ये जब हुमायूं शॉर्ट पीरियड के लिए आया था, तो इसने दीन पनाह करके यहाँ पे एक एरिया बसाया था। और फिर इसके बाद जो था, हम देखते हैं वापस मुगल जो थे, उन्होंने कैपिटल आगरा कर ली थी, और कैपिटल आगरा से वापस फिर शिफ्ट शाहजहां ने करी थी, और ये शाहजहानाबाद एरिया बनाया था जहाँ पे इन्होंने ये रेड फोर्ट बनाया। और उसके बाद वो रेड फोर्ट तक चलती रहे इनका काम, और बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने बोला नहीं हम तो अपना नया बनाएंगे, उन्होंने न्यू दिल्ली बसाया। तो ये सीक्वेंस है सात बार दिल्ली बसने का। तो ये था, अब रेड फोर्ट पे आता है। रेड फोर्ट ये शाहजहानाबाद एरिया में पड़ता है। गौरव माइक थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। नहीं, मैं बोल रहा था कि वो शेर शाह सूरी का भी था ना, शेरगढ़। हाँ शेरगढ़, उसने भी बनाया, ने भी वो शेरगढ़ बनाया था, करेक्ट, वो मिस हो गया था। हाँ शेरगढ़। फिर ये देखो, बिल्ड बाय शाहजहां, रेड सैंडस्टोन का ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दीवाने आम था इसके अंदर, रेड फोर्ट के अंदर एक हॉल था पब्लिक के लिए, वो काफी नामचीन है। इसके अलावा दीवाने खास, तो वो है हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। तो ये थोड़े से दो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं। और रेड फोर्ट में इम्पोर्टेंट ये है कि 1857 की लड़ाई में एक बहुत ही सिंबॉलिक रोल था रेड फोर्ट का। और बस यही है इसके बारे में तो इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा कुतुब मीनार में हमने देख लिया, इसके अंदर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स भी है। तो अलाई दरवाजा हमने देख लिया, आयरन पिलर भी देख लिया जो मौर्यन टाइम में बना था। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, तो इसको ऐसा बोला जाता है कि ये एक जैन टेम्पल था, उसको तोड़ के ये लोग ने बनाया है, तो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, पहला और मॉस्क था क्या इंडिया का? इंडिया का एक्चुअली पहला मॉस्क नहीं कह सकते, क्योंकि जो मोपलास जो थे ना, जो हमने मोपला रिबेलियन में पढ़े थे, वो बहुत पहले ही इंडिया में आके बस गए थे। जब इस्लाम स्टार्ट ही हुआ था तभी आके वो लोग बस गए थे। ठीक है, तो अरब उनका, ट्रेडर्स हाँ ना? अरब ट्रेडर्स, तो वो मोपलाज जो है वो वहीं से आते हैं। तो उन लोगों ने बहुत पहले ही साउथ इंडिया में बना लिया था अपना, मालाबार के आसपास कहीं पे वो अपना मॉस्क। हाँ ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला मॉस्क था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। और रूलर्स थे मामलुक्स, मामलुक्स मतलब वही स्लेव डायनेस्टी, मामलुक इज अ कुरानिक टर्म विच मीन स्लेव। और फिर तुगलक खलजीज, ब्रिटिश कंकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट, एंड कुतुब मीनार इज मेड अप ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन, मेहरोली पिलर बिल्ड बाय चंद्रगुप्ता सेकेंड इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इज फेमस फॉर इट्स प्रेस्टिज। तो वैसे तो आई थिंक ये बनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, बट इस पे चंद्रगुप्त सेकेंड के भी इंस्क्रिप्शंस हैं। तो ये फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, कल्चर की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली हार्ट है, तो दिल्ली का बहुत ही रिच कल्चर भी है। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रूसिबल ऑफ सिविलाइजेशन, के अलग अलग लोग यहाँ पे आए हैं और अपना अपना कल्चर, यहाँ पे सब चीज़ मिल जाता है, हर कोई कल्चर मिल जाएगा आपको। तो बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया रिजाइड इन दिल्ली, रिजल्टिंग इन मिक्सचर ऑफ कल्चर। दिल्ली हार्ट इन दिल्ली रिफ्लेक्ट वेरियस कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री। इट हैज पेड एंट्रेंस, ओपन एयर फूड प्लाजा, क्राफ्ट बाजार। अनलाइक ट्रेडिशनल वीकली मार्केट, द विलेज हार्ट, दिल्ली हार्ट इज परमानेंट। तो ये तीन चार जगह हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली हार्ट। ठीक है, ये है यहाँ पे थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम, तो इस तरह की चीजें होती है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल। तो
बहुत ही आम फेस्टिवल है ये और सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली इन एवरी समर, ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद एपिडा। एपिडा किसके अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? एपिडा कॉमर्स देन फेस्टिवल इज अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रो इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग मैंगो टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट। फिर है ITRA सुगंधी फेस्टिवल टू हाईलाइट एंशियंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ द फील्ड ऑफ नेचर इन परफ्यूम एंड एसेंशियल ऑयल। वैसे अगर सिटीज में बात करें तो सिटीज में कन्नौज का बहुत नाम है परफ्यूम के मामले में, तो इंडियन है ना ब्रांड कन्नौज यूपी। और दिल्ली है हेल्ड एनुअली बाय दिल्ली टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट ये बर्ड देख लो, नियर थ्रेटेंड है ब्लैक हेडेड इबिस। ये इबिस बहुत मिलता है, इसकी बहुत ही अजीब सी आवाज होती है, तो ये मैंने भी देखा हुआ है यहाँ से एक बार दो, एक दो तीन बार मेरे घर के ऊपर से उड़ के गए, तो इतना कॉमन है दिल्ली में। तो नियर थ्रेटेंड ऑल्सो नोन है सफेद बाजा इधर, ब्रीडिंग ऑफ दिस बर्ड ऑकर इन दिल्ली NCR ड्यूरिंग मानसून, प्राइमरली अ वेटलैंड स्पीसीज बट अपेयरिंग इन अर्बन हैबिटेट इन रिसेंट टाइम। तो ये वाला बर्ड है ब्लैक हेडेड। और इसके अलावा रिसेंट न्यूज की बात करें तो दिल्ली सरकार जो है उसने एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव चलाया हैप्पीनेस करिकुलम करके स्कूल्स के अंदर। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस हैप्पीनेस करिकुलम इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल। हैप्पीनेस करिकुलम इंक्लूड्स मेडिटेशन, वैल्यू एजुकेशन, मेंटल एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी टिल क्लास 8। तो जो हम बात कर रहे थे ना, जैसे गांधी जी बोलते थे सिर्फ नॉलेज बिल्डिंग से नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। तो स्टेप में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एंड एम्स टू प्रोवाइड होलिस्टिक एजुकेशन एंड हेल्प देम टू हैंडल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड इंटॉलरेंस। इनिशिएटिव रिसीव्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आई थिंक काफी बार डिस्कस कर लिया है। तो दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का टैग मिला था कई साल पहले, लेकिन अब तो काफी नीचे आ गया है। यूपी के कई सारे शहर दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड है अब तो। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर है अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, जो कि दिल्ली NCR रीजन में देखने को मिलता है। कंस्टिट्यूटेड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बनाई हुई बॉडी है EPCA, तो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये इम्प्रूव ये बेसिकली देखती है कि कैसे जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। तो मोस्टली हम इनको एक्शन में देखते हैं जब सर्दी आती तब। ठीक तो ये था दिल्ली के बारे में। That's it. वाइंड अप करते हैं सर यहाँ पे, है ना।